एक बेटी ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर दी तो उसके पिता ने उसके जीवित रहते ही शोक पत्रिका छपवा दी और पूरे समाज में बंटवा दी। बताया कि मेरी बेटी की मौत हो गई है और इसका 12वां उस दिन है और आप आइएगा, हम शोक सभा रख रहे हैं। ये खबर सुनकर आपको ताज्जुब जरूर हुआ होगा, लेकिन ये राजस्थान के भीलवाड़ा की हकीकत की घटना है। दरअसल एक लड़की ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर एक लड़के के साथ शादी कर ली और जब उसकी मां ने पुलिस थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस उस लड़की को तो ढूंढ कर लाई ही लाई, उसके साथ उसके पति को भी लेकर आ गई। जब उस लड़की से मिलने के लिए उसके माता पिता उससे थाने में गए तो उस लड़की ने कह दिया कि मैं इन लोगों को तो जानती तक ही नहीं। इस बात से उसके पिता गुस्सा और आहत हो गए, जिसके बाद उन्होंने घर जाकर के सबसे पहले एक शोक पत्रिका छपवाई और पूरे समाज में गांव के लोगों में बांट दी और बताया कि मेरी बेटी की मौत हो गई है और फला तारीख को हम लोग शोक सभा रखने वाले हैं। दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी एक व्यक्ति की बेटी की जब वो नाबालिग थी तब उसका संबंध किया गया था, सगाई की गई थी और सगाई के समय कुछ साल तक उनकी सगाई रही और सगाई के बाद उन दोनों परिवारों के बीच आपसी विवाद हो गया और ऐसे में उन्होंने सगाई तोड़ दी। सगाई तो तोड़ दी लेकिन उस लड़की ने जब वो बालिग हो गई तो उसके बाद एक जिस उस लड़के के साथ शादी करने का निर्णय कर लिया जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी और दोपहर के समय वो अपनी स्कूटी लेकर घर से निकली और एक जगह पर अपनी स्कूटी खड़ी करके उस लड़के के साथ भाग गई और आर्य समाज में जाकर के दोनों ने विवाह कर लिया। जब उसकी मां ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया तब उसके पुलिस ने उस लड़की को और उसके पति दोनों को ढूंढ लिया और जब पुलिस थाने लाया गया तो उस लड़की ने उसके माता पिता को यहाँ तक कह दिया कि मैं इन दोनों को तो जानती ही नहीं और इस बात को लेकर उनके माता पिता गुस्सा हो गए, आहत हो गए। अब ये घटना पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गई है कि किस तरीके से एक लड़की ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली और उस पिता इतने आहत हो गए कि उनकी शोक पत्रिका छपा दी है। और अब लगातार कई लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कई लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो लोग अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर के शादी करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बेटी ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर दी तो उसके पिता ने उसके जीवित रहते ही शोक पत्रिका छपवा दी और पूरे समाज में बंटवा दी। बताया कि मेरी बेटी की मौत हो गई।